नमस्कार वादाब, इस समय आप सभी देख रहे हैं TLR। जिला डोडा की पुलिस ने डोडा शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर शहीदों के सम्मान और सम्मान के प्रतीक के रूप में पुलिस शहीदों की तस्वीरें प्रदर्शित की और साथ ही साथ देश की अखंडता और समृद्धि के लिए उनकी बहादुरी, वीरता और सर्वश्रेष्ठ बलिदान को याद किया। ये कार्यक्रम शहीद सप्ताह के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डोडा के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों अर्थात DDC अध्यक्ष श्री शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। धनतेर सिंह कोतवाल, DDC अध्यक्ष श्रीमती संगीता भगत, DDC डोडा श्री विशेष पाल महाजन, SSP डोडा श्री अब्दुल कयूम के अलावा सिविल पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं डोडा के स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य देश की ग्रामीण और समृद्धि को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस शहीदों को समृद्धि श्रद्धांजलि के अलावा एकता देशभक्ति की भावना पैदा करना था। देखिए TLR की इस खास रिपोर्ट में। हमारे शहीद हैं, हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने हमारी खुशी के लिए, हमारे सुख के लिए अपनी जान दे दी। एक जान गंवाना किसी सिपाही की बहुत बड़ी बात होती है। ये वहाँ खड़े हैं, रातों को जागते हैं, दिन को खड़े होते हैं, धूप में, बारिश में, तब जाके हम यहाँ पे सुख शांति से रहते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है इनको इज्जत देना, इनके परिवार वालों को इज्जत देना। इनकी कोई कमी पेशी, कोई ज़रूरत हो, सबसे प्रायोरिटी पर हमें कम्प्लीट करनी चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हमने मार्टिस डे भी सेलिब्रेट किया था DPL में। वहाँ पे जो है शहीदों के परिवार भी आए थे, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके इश्यूज़ को ग्रीवांस है, उनको उसी टाइम DC साहब ने और SSP साहब ने हैंडल किया था। बहुत ग्रीवांस उन्होंने सॉल्व भी किए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी पूरी कोशिश होती है कि टॉप प्रायोरिटी में सबसे पहले इनके परिवारजनों को इनकी मदद की जाए, इनके सारे जो रुके हुए काम हैं वो पूरे किए जाएँ। ये फ़र्ज़ सिर्फ सिपाहियों का नहीं है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहनी है। हम एज ए सिविलियन, हमें भी अपने आप को एक सिपाही समझना चाहिए। हमें भी अपनी सोसाइटी के लिए, अपने परिवार, मोहल्ले के लिए, अपने मोहल्ले से स्टार्ट करेंगे तभी जाके हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। हमें अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उनका अच्छे से पालन करना चाहिए।